नीरव को रियलाइज करने में इतना टाइम लग गया कि मुझे लगता है कि हमें पार्ट टू बनाना पड़ जाएगा कि नीरव को रियलाइज हो कि मुझे ऐसा लगता है कि नीरव ने ना इसलिए इतना ज़्यादा इग्नोर किया कि बाकी सब ख्वातीन इंजॉय करें कि कितना अच्छा हस्बैंड है और कितना प्यार करता है और ऐसा ही होना चाहिए. सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट या बहाज, आपको सैड सॉन्ग्स इतने क्यों पसंद है? सैड सॉन्ग्स इतने क्यों पसंद है? आई विश मैं सुना सकता, मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता. एक ख्वाहिश थी मेरी कि मुझे कभी गाना भी आ जाए, लेकिन आई डोंट नो, शायद कभी हो जाए पूरी मेरी ख्वाहिश. लेकिन सैड सॉन्ग्स नहीं पसंद मुझे. आई एम अ हैप्पी सोल, सो इट्स जस्ट दैट अक्सर मैं जब कभी नजर आया हूँ तो किसी सैड मूड में नजर आया हूँ. रोज भी तो ऐसे ही मिलते रहते हैं ना सैड. नुमान एजाज साहब मुझे बहुत ही इंस्पायर करते हैं हमेशा से. The chemistry between Mirab and Murtaza is palpable on screen. How did you both prepare for this complex role? मैं तो अच्छा खाना खाता था सिर्फ. Honestly, I just try to empathize with the characters and see the world through their perspective. And also I try to connect with them emotionally. जितना emotionally आप character को connect करते हैं वो उतना ही आपके अंदर feel होना शुरू हो जाता है. And you just have to be very honest. Whatever you are doing, you just have to feel it. जो feeling है वो genuine होनी चाहिए. और वहाज बहुत honesty से काम करते हैं तो इस chemistry का मैं 50% credit वहाज को दूंगी और 50% और जब हम सीन्स कर रहे होते थे तो ज़्यादातर हमारे पर्सनालिटी क्लैश बहुत है. वहाज से दोस्ती भी है लेकिन काम के टाइम पे बहुत पर्सनालिटी क्लैश रहता है. दो मुख्तलिफ इंसान, बहुत मुख्तलिफ हैं तो बहुत इख्तलाफ अट्रैक्ट्स पीपल एक्चुअली. सो बहुत इख्तलाफ रहता था और मुझे ऐसा लगता था कि हर सीन बहुत बुरा हुआ है और हर सीन मेरा उसका अच्छा नहीं हो रहा. बट जब एडिट होके म्यूजिक लग के लोगों की आंखों तक पहुंचा तो उनके दिलों तक पहुंच गया और उनको पसंद आ गया. Beautifully explained. Vahaj, do you have any negative characters in works or something non-romantic heroes type? Well, I think I'm very lucky for that matter. मैं अगर negative character भी play करता हूँ तो लोगों को उससे भी प्यार हो जाता है. लेकिन नहीं अभी नहीं है. But I would love to play. You mean three words में वहाज को describe करना हो तो क्या होगी वो तीन loves? ये तो हमारी fans से पूछा जाए. Honest and handsome. And very intelligent. So would you choose Vahaj or Murtaza? Very interesting question. Yes. Why? ये आपसे भी पूछना है यमुना और मुझे इनके फैंस से भी पूछना है. हाँ कि वहाज को पिक करेंगे कि मुर्तज़ा? लेकिन लेडीज आपको क्या वहाज में दिखता है? मतलब बिसाइड आप तो उसको एज अ मुर्तज़ा जानते हैं ना उसकी. ये भी आपके साथ टाइम स्पेंड कर सोशल मीडिया पे आप ही को देखते रहते हैं. सोशल मीडिया ना बड़ा परेशान कर देता है मुझे. So I just try to stay away. I know that people love me, but there's a lot of negativity as well, and I just don't want to be a part of that. And I just feel
मैं अपनी कंफर्ट के लिए कंफर्ट जोन में रहने वाला इंसान हूँ, आई जस्ट ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दैट. और जो लोग मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, अब तो मैं आपके बिल्कुल सामने हूँ, ऐसे रहेंगे, हम ऐसे मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे. वो उन्होंने बोल के मिलते रहेंगे, मतलब जरूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया में ही इनके बारे में, हम इनको पर्सनली ये रेडी है बार बार आने के लिए हमारे पास. बार Thank you, Bahar. Bahar, teen lafzon mein agar aapko Yumna ko describe karte. Well, she is, but to sabko pata hai, lekin she is very honest person and very hard working as well and very confident. आपके सीन बताइए, हम बताएंगे उसकी बैक स्टोरी. कोई भी सीन चूसमेंट और लाइट और ये वहाज के बहुत नखरे भाई लेडीज है आपको बता रहे बहुत ज़्यादा ना हम लोग आर्ग्यूमेंट्स हम लोग का होता था हर चीज़ में, ऐसे बोलना ऐसे नहीं बोलना कुछ. जितना हमने शूट किया वो सब कुछ नजर आया. असल में लोगों को देखना ज़्यादा पसंद आ गया था, प्रोड्यूसर ने जो रह भी गए थे वो भी सीरीज निकालने गए एपिसोड्स बना के डाल दिए जस्ट टू एंटरटेन यू गाइस. सो हम लोग गेट तेरे विल टू वेरी सून. आई मीन वी आर वर्किंग ऑन दैट स्क्रिप्ट. I've been following, but nothing online like gives it away. It's offline, trust me, but it is offline. Well, yeah, but you need to show it online for us to see it, right? We will. अच्छी चीजों में थोड़ा वक्त लगता है. कितना वक्त लग, कितना वक्त. We have been waiting patiently. Are you going to have your kid in the second season? Like the kid that you had? I forgot the name. The kid, yeah, Misam. Misam, yeah. Are you going to have her story? Actually, we cannot reveal it here now. You need to give a little tidbit, right? If you guys want it, we'll add it on. Perfect, yeah. Okay. Exit करके दोबारा एंट्री हो जाता मुझे तो अच्छा लगा, हर सिटी में अच्छा लगा. पहाज को सिर्फ डेलिस ही नहीं पसंद आया, बाकी सब. नॉट द पीपल इन द शो, द सिटी इटसेल्फ. यहाँ पे बहुत कुछ है. बहाज डायरेक्टर के ऊपर बहुत दोस्ती भी कर लेते हैं फिर डायरेक्टर से ज़्यादा. बिकॉज़ आई बिलीव कि बड़ा ही एक क्योंकि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो एक लेट्स डू इट. बहाज का सेंस ऑफ ह्यूमर आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही मूड बहुत बूस्ट कर देता है ग्रुप में. हम लोग आजकल ट्रैवल कर रहे हैं तो सबको बहुत इंटरटेन करता है, बहुत सबको हंसाता है इवन ऑन द सेट्स. So that's his hidden talent. Hidden तो नहीं है, खैर it's open for him. Hidden कुछ भी नहीं, hidden को hidden ही रहना चाहिए. Okay, Yumna का I guess hidden talent, मुझे ऐसा लगता है Yumna गाती बहुत अच्छा है. Oh yeah! My God, Yumna फिर तो दो लाइनें, किसी बंदे आप अपनी दोस्त को फंसा दें ये कह के कि गाती बहुत अच्छा है जबकि मैं बिल्कुल भी नहीं गाती. मुझे अच्छा लगता है ये, इसलिए मुझे डिफरेंट स्पॉट पे कर दिया. दिल ना उम्मीद तो नहीं मैं गाया था, वो एक्टिंग थी इसलिए मैंने गा दिया था. जो भी था चलो अभी तो हम एक्टिंग कर रहे हैं. आज बहुत अच्छा गाना है, अच्छा अच्छा आपको ऑटो ट्यून करके सुनाएंगे. अम्मा बिरयानी आ गई. अम्मा अम्मा बिरयानी आ गई. अच्छा अभी
मैं भी मेरा जो प्रोजेक्ट आएगा चलें फिर उसकी प्रमोशन भी कर देता हूँ सुन मेरे दिल. उसका एक डायलॉग था कि ऐसी लड़कियाँ भी होती हैं जिनकी शादी वहाँ होती है जहाँ उनको मोहब्बत नहीं होती और शादी के बाद उनको पता चलता है शादी ठीक हुई है मोहब्बत गलत हुई थी. एक ही दिन है कितनी बार जीत होगी. वाह ये भी एक डायलॉग बना ले प्लीज आप अपने. हैप्पी बर्थडे. मेरी बर्थडे तो भी आनी है. थैंक यू. फर्स्ट दिसंबर.